हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे एल्कीन के विरचन की विधियां। अल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा अल्कोहलों को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य के साथ 170 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर जल का एक अणु निकलता है और एल्कीन बनती है। जैसे CH2CH2OH को H2SO4 की प्रेजेंस में 170 से 180 डिग्री पर हीट करने से RCH डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन होता है। इसमें एक जल का अणु साथ में निकलता है। यह जल का अणु फंक्शनल ग्रुप OH और बीटा कार्बन पे प्रेजेंट एक हाइड्रोजन के जुड़ने से हुआ है। H2SO4 एक निर्जली कारक है और उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पे कैटलिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे वर्क करता है। विभिन्न अल्कोहल के निर्जलीकरण की सुगमता का क्रम निम्न प्रकार है। 3 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण सबसे अधिक आसानी से किया जा सकता है। उससे कम आसानी होगी 2 डिग्री के अल्कोहल में और सबसे कम आसानी से किया जा सकता है 1 डिग्री अल्कोहल का। 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में सेजेफ नियम के अनुसार निर्जलीकरण होता है, अर्थात उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलती है जिससे अधिक प्रतिस्थापी युक्त एल्कीन बनने की संभावना हो। थैंक यू।